हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव इज गोइंग टू टीच यू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, द इक्वेशंस विच कंसिस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स आर नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो इन दिस वीडियो लेक्चर we will discuss how can we form a partial differential equations, what are the different methods to construct a partial differential equations। I hope आप इस लेक्चर को जब पूरा देखेंगे तो आपको फॉर्मेशन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ कैन वी फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर आर टू मैथड टू कंस्ट्रक्ट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, we have two methods in order to construct a PDE, that means partial differential equation। now first is by eliminating the arbitrary constants। okay, in first method we will eliminate the arbitrary constants and in the second method we eliminate the arbitrary functions। okay, so one by one I will try to explain both of the methods। okay students, so by eliminating arbitrary constants, first of all we will discuss about this method। just I am taking the examples, numerical problems, based on that I will try to explain this method। question, first question is derive a partial differential equation by eliminating arbitrary constants z is equal to x plus a x plus y plus b। सो जो मेन पैटर्न जो होता है इसमें, मेन पैटर्न में हमारे पास जो भी फंक्शन होता है हम उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। सो वी हैव डिफरेंशिएटेड दिस फंक्शन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, लाइक डेल z अपॉन डेल x इज दिस वन एंड डेल z अपॉन डेल y इज प्लस a। सो सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर टू एंड सेकेंड इज द इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ फ्रॉम वन टू थ्री अगर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड को अगर कंबाइन करें, सो अवर फंक्शन रिमेंस फ्रॉम ए कंबाइनिंग इक्वेशन वन टू थ्री वी गेट जेड इज इक्वल टू पी क्यू। सो दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बनाते समय हमने क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट किया है, दैट्स वाई दिस इज बेस्ड ऑन द मैथड वेर वी रिप्लेस द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी वन मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। डेराइव अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम दिस। यहाँ तो क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको ए और बी को एलिमिनेट करना है। अगर ऐसा नहीं भी लिखा है, इफ़ इट इज़ नॉट मैंशनिंग इन द क्वेश्चन, देन स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई बिकॉज इन योर क्वेश्चन यू हैव टू गिवन सम कॉन्स्टेंट्स, दैट्स वाई यू हैव टू एलिमिनेट दोज आर्बिट्री वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम योर इक्वेशन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, आपका जो फंक्शन है उसमें जो ये है जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है। ठीक है, सो अगेन वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ओके, सो सबसे पहले हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो व्हेन वी डिफरेंशिएटेड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस बिकम्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, दैट इज इक्वल टू ए, एंड सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर टू, एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इट बिकम्स बी, एंड सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री। अगेन वी कंबाइन इक्वेशन नंबर वन एंड टू। अवर इक्वेशन नंबर वन इज जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, एंड अवर इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री आर p is equal to a and q is equal to b। now combining 1 2 3 we get z is equal to px plus qy plus pq। to ye hamara this is our function, ye hamara z is equal to ax plus by, this is our required function, required partial differential equations। in both of the examples we have replaced the arbitrary constants by variables, by the functions। so this is the, these are the examples based on the first method। arbitrary constants को eliminate करके किस तरह से PDE को generate किया जाता है, मैंने इन two examples में आपको ये समझाने की कोशिश की है। I hope students ये topic आपको अच्छे से समझ में आया होगा। now we try to see another question based on this। so my next question is find the partial differential equation by eliminating arbitrary functions। okay, now ये जो हम second method जिसकी बात कर रहे थे उससे related एक question है। ठीक है, तो just wait, यहाँ पर हमारे पास जो function है z is equal to
एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है. सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर वन. अब इस फंक्शन को हम पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो दैट विल बी एफ डैश टी, और टी का डिफरेंशिएशन, टी इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो इट्स डिफरेंशिएशन विल बी टू एक्स. सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर टू. Similarly, we differentiate this function with respect to y, again f dash t, and the differentiation of t is minus 2y. So, now again, what we do, if we divide equation 2 by 3, okay, equation 2 ko 3 se divide karenge, to left hand side mein hoga del z upon del x whole upon del z upon del y, that is equal to minus x upon y, okay. So, we move on to the next slide. By dividing equation 2 by 3, as I have already told you, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, तो we will get in this case, we get this, and del z upon del x nothing but small p, and this is small q, so that is equal to minus x upon y, आप cross multiply करेंगे, so that will be px, px is it px plus q, py plus qx is equal to 0, ठीक है, py plus qx is equal to 0, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्यों है? क्योंकि इसमें आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर्ड हो रहे हैं. सो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा. और स्टूडेंट्स, मैंने इस टॉपिक में आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के डिफरेंट मेथड्स आपको बताए हैं. इफ़ वी मूव ऑन टू दी फर्स्ट स्लाइड, सो फर्स्ट स्लाइड्स में मैंने आपको ये बताया था कि देयर आर टू मेथड्स टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. वन इज़ बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, सेकेंड वन इज़ बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शंस. तो मैंने इस टॉपिक में, इस वीडियो में, दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, एंड इन दिस वीडियो मैंने आपको दोनों ही मेथड्स को वर्किंग प्रॉब्लम की हेल्प से समझाने की कोशिश की है. आई होप दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट्स जरूर लिखिएगा. आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे फर्दर वीडियोस के लिए, कुछ सजेशंस अगर आपको लगता है तो बहुत ही वैल्यूएबल रहेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, एंड इट हैज क्लियर्ड ऑल दी डाउट्स, ऑल दी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग योर लर्निंग. तो अगर किसी और टॉपिक पर भी आप कुछ वीडियोज चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखना, और इसको शेयर ज़रूर करना है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.